हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। अब वक्त है डेडिकेटेड अप्रोच की। अपनी मेहनत को अंतिम ऊंचाई देने का सही समय आ चुका है और इस मेहनत में कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा आपके साथ खड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी एसआई प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो बच्चे प्री दिए थे अब सिद्धश्य मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन कम्युनिटी आपकी मेहनत में, आपके प्रयास में अपना कंट्रीब्यूशन देने न्यू बैच के साथ आ गई है। तो चलिए चर्चा करते हैं एसआई मेंस के न्यू बैच के बारे में। देखिए, ये जो एसआई मेंस का न्यू बैच है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी अभी मेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने कर ली है, तो अभी आपका समय है, आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए। ठीक है, अगर टेस्ट लगाने या प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा लगता है कि नहीं मुझे और मेहनत की जरूरत है तो आप ऑफलाइन न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 13 मार्च से हमारे सभी सेंटर्स बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में चालू हो रहा है। ध्यान रखें, ये 13 मार्च यानी होली के बाद से ये चालू होगा और ये दोनों समय होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। यानी इस बैच की टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में से कभी किसी भी समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेंस के बाद फिजिकल भी होगा तो कई लोग फिजिकल, क्योंकि एक दिन का खेल नहीं है दौड़ना, कई लोग दौड़ना भी स्टार्ट कर चुके होंगे तो आपकी टाइमिंग डिस्टर्ब ना हो। आप अगर मॉर्निंग में दौड़ने जाते हैं तो इवनिंग वाला ज्वाइन कर सकते हैं और इवनिंग में जाते हैं तो मॉर्निंग वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डेट 13 मार्च से ये चालू होगा और ये हमारे सभी सेंटर में ऑफलाइन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से रिविजन कर सके। तो ये होगा हमारा एसआई मेंस का न्यू बैच जो कि 13 तारीख से चालू हो रहा है। उसके साथ साथ देखिए, अभी अभी एडीओ जो लोग हैं उनका प्रमोशन हुआ है, अभी अभी न्यूज आई थी और ऑलरेडी एडीओ की जो पोस्ट है वो खाली है। इसमें और ज्यादा जो पोस्ट है वो ऐड हो चुकी है। यानी हमें ऐसा लगता है कि व्यापम की जो नई वैकेंसी है वो सबसे पहले एडीओ के रूप में देखने को आएगी, क्योंकि पोस्ट खाली है, प्रशासन कैसे काम करेगा, अधिकारी उनके है नहीं, तो सबसे पहले जो भर्ती है वो एडीओ की आने वाली है, ऐसी संभावना है। इसके लिए भी, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा समय नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए इसकी तैयारी आप अभी से ही चालू कर दीजिए। एडीओ की सेपरेट बैच जो है वो भी 13 मार्च से चालू हो रहा है, ये भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये चारों सेंटर्स, हमारे जो चारों सेंटर्स हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, राजनांदगांव, इस सभी जगह ये आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। ठीक, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उनको एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो साथ साथ मैं एड्रेस भी बता दूं, ये हमारे चारों सेंटर्स हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव की। ठीक, अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो कॉम्पिटिशन कमेटी हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और इंक्वायरी ले सकते हैं या कमेंट में भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।